हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स, जिसमें हमें अभी पढ़ना है एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जो कि स्क्रीन पे है और ये डिफरेंशिएशन का है। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हो। करना होगा कब, जब इसमें लॉग लगाना होगा, और लॉग भी कैसे लेंगे ये बातें नहीं समझ पाते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां y इक्वल साइन x टू दी पावर cos x प्लस cos x टू दी पावर sin x है। अगर मान लो यहां पे इनटू अगर साइन रहता तो आप सिंपली दोनों साइड लॉग लेते, रिजल्ट ले आते, आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे दो टर्म है और इसके बीच में साइन क्या है, प्लस हो। तो याद रखिएगा, दो टर्म हो या तीन टर्म हो, अगर इसके इसके बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, देन उस केस में इस दोनों टर्म को हम अलग अलग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों साइड लॉग लेते हैं और रिजल्ट ले आते हैं। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर दोनों साइड और उसके बीच में प्लस हो या माइनस हो तो उसको अलग अलग अज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लॉग लेंगे और रिजल्ट ले आएंगे। लेकिन अगर इसके बीच में इनटू रहता तो आप डायरेक्ट एक साथ लॉग ले सकते थे, रिजल्ट आ जाता। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो करना क्या है, इसको यू मान लेना है, इसको भी मान लेना है। तो यहां लिखते हैं, लेट यू इक्वल साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। क्लियर है बातें, हमने इसको क्या मान लिया, यू मान लिया। अब जरा सोचिए, जब हम इस यू इक्वल साइन एक्स का पावर कॉस एक्स माने हैं, अब इसको क्या करेंगे? अब तो सिंपल सी बात है, दोनों साइड लॉग लेंगे। अगर हम दोनों साइड लॉग लेते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट इस प्रकार आएगा, गौर फरमाइएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। अब हम दोनों साइड लॉग रहे हैं तो क्या होगा मेरे को, लॉग यू इक्वल लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। क्लियर बातें, समझ बात आ रही है ना? चलिए अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, लॉग यू इक्वल लॉग एम टू दी पावर एन, एन लॉग एम, पावर वाला पहले आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ये पहले आ गया, और लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्लियर बातें, अब इससे हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फाइंड करेंगे क्या, डी यू बाई डी एक्स। कैसे, जरा गौर फरमाइएगा, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी लॉग यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स डेट इक्वल, अब इसको तोड़ेंगे यू इंटू भी के टर्म में, तो कैसे टूटेगा जो गॉट मारिएगा, कॉस एक्स इंटू डी लॉग साइन एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, फिर प्लस के लिए बात है, अभी तो मैंने भी का काम किया है, अब क्या लिखेंगे, भी को लिखेंगे, यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो भी हमारा क्या है, लॉग साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। उम्मीद है आपको समझ बातें समझ में आ रही है। अब जरा गौर फरमाइएगा, लॉग यू का डिफरेंशिएशन वन बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स, और लॉग एक्स, एक्स के बदले यहां पे साइन है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। तो एक्स के बदले यहां पे क्या साइन है, तो आप गौर फरमा सकते हो, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वन बाई एक्स, तो यानी कि वन बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स। लॉग एक्स का बदला वन बाई एक्स, तो एक्स के बदले साइन है, तो वन बाई साइन एक्स इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स, और यहां पे कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहां तक बातें क्लियर है? अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं यहां पर डायरेक्ट लेता हूं, डी यू बाई डी एक्स इक्वल यू इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है बातें? अब इसको चाहो तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, क्या, जरा गौर फरमाइएगा, u का वैल्यू यहां पे पहले पुट कर दीजिए, u की हमारा कितना है, ये है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, उम्मीद दिख रहा होगा।
चलिए तो अब जरा सोचिए कॉस बाई साइन क्या होता है, इसको अलग करते हैं, कॉस स्क्वायर है बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा मेरे को, कॉटेक्स, और एक कॉस तो बच जाएगा, तो रहने दीजिए, बातें समझ में आ रही है, माइनस साइन एक्स लॉग, और फिर क्या होगा साइन एक्स, ये तो मेरे को क्या आया डी यू बाई डी एक्स, बातें समझ में आई। हमने यहां पे फिलहाल अभी क्या फाइंड किया डी यू बाई डी एक्स, कैसे फाइंड किया समझ में बात आ रही है ना, यहां पे आपका एक डी यू बाई डी एक्स मतलब एक टर्म का रिजल्ट आ गया, अब दूसरा जो टर्म बच गया मेरे को कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, उसको ब्रेक करना बिल्कुल इसी तरीके से, ये बातें समझ में आई ना, मैंने अलग कर दिया दोनों साइड लॉग लिया डिफरेंशिएट किया पता चला मेरे को डी यू बाई डी एक्स इतना आ गया, इज इट क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं, फिर उसके बाद लेट भी इक्वल कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग भी इक्वल क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स का पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या लॉग भी इक्वल पावर वाला टर्म पहले आ जाएगा, पावर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, क्लियर बातें। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी लॉग भी इंटू डी लॉग भी बाई डी भी इंटू क्या होगा डी भी बाई डी एक्स डेट इक्वल। अब जरा गौर फरमाइए, मैं इसको यहां पे डायरेक्ट तोड़ूंगा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, गौर फरमाइएगा साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स का क्या होगा वन बाई कॉस एक्स, और फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, फिर भी लिखेंगे भी हमारा क्या है लॉग कॉस एक्स और यहां पे साइन है तो इस साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा कॉस एक्स, उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए लॉग भी मतलब क्या होगा मेरे को वन बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स डेट इक्वल, गॉट माइएगा क्या होगा ऐसा कर देता हूं माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, क्लियर है बातें, मैंने क्या लिखा सो बातें समझ में आ रही है। अब यहां से डीवी बाई डीएक्स फाइंड कर लेंगे तो डीवी बाई डीएक्स मेरे को क्या हो जाएगा भी इंटू और भी का वैल्यू मेरा क्या है कॉस एक्स का पावर साइन एक्स और ये टर्म लिखा आ जाएगा माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, ये तो मेरे को क्या आया डीवी बाई डीएक्स, बट फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ गॉट माइएगा ये तो डी यू बाई डी एक्स है और ये डी वी बाई डी एक्स है, मतलब यह हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, मतलब जो डी यू बाई डी एक्स निकाले और डी वी बाई डी एक्स निकाले दोनों को क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो गॉट फरमाइएगा जरा डी यू बाई डी एक्स आपका ये है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स फिर कॉटेक्स इंटू कॉस एक्स कॉटेक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और उसके बाद क्या है बीच में प्लस हो जाएगा और ये टर्म लिखा जाएगा कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स का पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू यहां नीचे लिख दूं दिख रहा चलिए तो क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और इस तरीके से हमारा यहां पे रिजल्ट आता है, उम्मीद है बातें समझ में आई। हाँ अगर यहां पे माइनस आता तो बस साइन यहां पे क्या हो जाता आपको बता दूं यहां साइन प्लस जो लिख रहे हैं यहां पे माइनस साइन लिख देते, तो उम्मीद है बातें समझ में आई, बातें अगर समझ में आए तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम सॉरी आज के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बस समझना है कि कैसे लॉग लेकर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन विदाउट लॉग लिए हुए तो बनेगा ही नहीं, लेकिन लॉग लेकर बनेगा तो कैसे बनेगा ये चीज को हमको समझना है।
तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, इफ साइन वाई टू द पावर कॉस एक्स डेट इक्वल कॉस एक्स टू द पावर वाई देन फाइंड डिवाइडेड एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब समझना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी ऐसा टर्म हो लेफ्ट के एक साइड इक्वल एक लेफ्ट के लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड में एक टर्म हो और इक्वल के राइट साइड में एक टर्म हो, तो सिंपल बात याद रखिएगा, दोनों साइड लॉग लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यहां भी देख सकते हैं इक्वल के लेफ्ट साइड में एक टर्म है, इक्वल के राइट साइड में एक टर्म है, तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे, जरा गौर फरमाइए, यहां पर क्या लिखेंगे, क्या साइन वाई इक्वल कॉस एक्स का पावर वाई, यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो मेरे को क्या आएगा, साइन वाई का पावर कॉस एक्स डेट इक्वल लॉग कॉस एक्स का पावर वाई। क्लियर बातें, उम्मीद है यहां पे बातें आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कोसाइन वाई का पावर एक्स है, वही कह रहा हूं, कहां है भाई गलती हो रहा है, यहां पे साइन वाई का पावर एक्स है। क्लियर बातें, क्योंकि आप देख सकते हो ना ऐसा कुछ, यहां पे वाई है तो जाहिर सी बात है यहां एक्स होगा, यहां तक क्लियर बातें। अब यहां लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, तो क्या लिखेंगे, एक्स लॉग साइन वाई डेट इक्वल वाई लॉग कॉस एक्स। मेरे को फाइंड क्या करना है, डीवाइडेड एक्स फाइंड करना, याद रखिएगा डीवाइडेड एक्स फाइंड करना है। तो अब यहां पे क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे होगा देख सकते हैं, तो एक्स इंटू डी लॉग साइन वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस हो जाएगा लॉग साइन वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स डेट इक्वल, फिर इसको भी यू इंटू बी के टर्म में तोड़ेंगे, क्या होगा वाई इंटू डी लॉग कॉस एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। लॉग का लॉग एक्स होता है तो एक्स के बदले में कॉस एक्स है, तो नीचे मैंने कॉस एक्स लिख दिया, फिर इसको कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किए, तब तक करना है जब तक एक्स नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। उसके बाद साइन क्या होगा, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर बात है यहां तक, अब चलिए गौर फरमाइएगा, एक्स इंटू लॉग साइन वाई है, तो लॉग साइन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन बाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स, तो वन होता है, वन को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को आ जाएगा लॉग साइन वाई इक्वल y इंटू लॉग कॉस एक्स का, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डीवा बाई डी एक्स, हमें तो डीवा बाई डी एक्स चाहिए, इसको रहने दीजिए। यहां तक बातें समझ में आ रही है, अब गौर फरमाइएगा यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं, x बाई साइन वाई इंटू डीवा बाई डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई डेट इक्वल क्या होगा, माइनस वाई साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, तो माइनस वाई टेन एक्स, देख सकते हैं वाई माइनस वाई टेन एक्स होगा ना, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मेरे को यहां पे फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई फाइंड करना है तो क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को वन साइड कर देना है। देखिए यहां डी वाई डेक्स है और ये डी वाई डी एक्स है, तो करना क्या है, इसको वन साइड कर देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं क्या, लॉग साइन वाई और माइनस इधर जाएगा तो प्लस वाई टेन एक्स डेट इक्वल लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, और ये टर्म माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स बाई एक्स बाई साइन वाई, फिर यहां पर देख सकते हैं साइन वाई बाई साइन वाई इंटू ऐसा होगा ना, तो फिर यहां पे क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट लेता हूं, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, तो यहां पे हो जाएगा कॉट हो जाएगा ना, राइट ना,
तो ये कॉट हो जाएगा, तो मेरे को क्या लिखेंगे यहां पे, यहां पे हो जाएगा आपका एक्स कॉट, एक्स कॉट वाई, ये वाई है ना, कॉस वाई है, तो एक्स कॉट वाई इंटू डीवाई डी एक्स, एक्स कॉट वाई इंटू डीवाई डी एक्स, एक टर्म छूट गया था, बातें क्लियर है ना। अब डीवाई वाले को तो एक साइड मैंने कर दिया, तो सिंपल सी बात है, यहां ले जाता हूं, ये टर्म जो कहते हो रहेगा लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स डेट इक्वल, इस दोनों टर्म में आप अगर डिवाइड एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई, माइनस एक्स कॉट वाई, मेरे को डीवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप आसानी से यहां पर लिख सकते हो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल वट, डीवाई बाई डी एक्स लिखेंगे इतना बाय इतना, तो यहां पर लिखा जाएगा क्या, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स बाई लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट वाई, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर होता है। उम्मीद है यहाँ पे बातें आपको समझ में आई, समझ में आए तो दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। देखिए डिफरेंशिएशन में मेन है फंडा क्या, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे यहाँ पे डी लॉग साइन वाई था, तो लॉग एक्स के बदले साइन वाई है, तो साइन वाई की ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये एक टर्म छूट गया था, बाद बाकी मैंने क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है बातें समझ में आई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।